दिवाली के पावन पर्व का सभी को बधाई। ये दिवाली का जो पावन पर्व है ये अद्भुत है। ये हमें दरिद्रता का नाश करने का पर्व है। देखिए, दरिद्रता एक अभिशाप है, एक कैंसर है। जीवन में उत्थान बहुत जरूरी है। देखिए, नहीं तो पतन तो निश्चित है ही है। तो इस दिन मां लक्ष्मी का पूजा करना अति आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। देखिए, बोलते हैं पूजा करना क्यों जरूरी है। कुछ लोग नास्तिक लोग बोलते हैं पूजा करना क्यों जरूरी है, कौन सी मां लक्ष्मी आकर के हमें धन प्रदान करेगी। देखिए, देवताओं का भी भोग लगाना बहुत जरूरी है। जैसे जहां पेड़ होते हैं वहीं पे बारिश होते हैं, मरुस्थल में बारिश ना के बराबर होता है। तो देवताओं का प्रसन्न होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा उत्थान नहीं होगा, पतन जरूर होगा। तो मां लक्ष्मी का, ऐसे भी वो धन की देवी है, उनका पूजन अत्यंत आवश्यक है। वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उनसे उनको मां लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर हमें फर्क पड़ने वाला है। पूरा ब्रश, पूरा जीवन। एक शास्त्रों में एक कथा आता है कि मां लक्ष्मी हर दिवाली के दिन विष्णु लोक से, जहां वो रहती है, पृथ्वी लोक पे विचरण करती है, और भारतवर्ष में स्पेशली वो विचरण करती है। जहां भक्त वहां भगवान, ये प्रकृति का, ये शास्त्रों का नियम है। इसलिए मां लक्ष्मी का पूजन कीजिए। तो मां लक्ष्मी पृथ्वी पे विचरण करते हुए भारतवर्ष में आई, देखी हर घर का दरवाजा बंद, सब जगह कोई दीप नहीं, हर दरवाजा बंद। तो देखी कि एक दरवाजा खुला है, माँ वहां प्रवेश कर गई और अपना रूप बदल करके, ताकि लोग उसे पहचाने नहीं। और घर वालों से बोली, हमें भूख लगी है और हमें रात का आश्रय चाहिए। घर वाले दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, प्रसाद था, माँ को प्रसाद दिया और रात भर रहने का आश्रय दिया। सुबह जब उठते हैं घर वाले तो माँ लक्ष्मी जा चुकी होती है। तो घर वालों का देख करके आश्चर्य, हमारा घर धन धान से भर, स्वर्ण मुद्राओं से, भंडार से बदल चुका, और हम लोग जो स्वस्थ हो चुके हैं। देखिए, स्वस्थ भी एक बहुत बड़ा धन है। माँ लक्ष्मी धन के साथ स्वास्थ्य भी देती है। तो सब लोग बड़े खुशी हुए और वो अपने पूरे आस पड़ोसियों को बुला करके रात की घटना बताए। इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा और उपासना करना चाहिए, ताकि हम पूरे जीवन और खास करके 1 साल तो हम स्वस्थ रहें और धन की कमी नहीं हो। धन एक की कमी से बड़ी निर्धनता एक कैंसर है, एक सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप निर्धन रहेंगे नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप कोई तीर्थों में नहीं जा सकते, कोई शुभ काम नहीं कर सकते। इसलिए गरीबी हटाओ का दिन है, तो आप माँ को प्रसन्न करें, इस गरीबी को हटाएं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर